वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोगों ने पिछले वीडियो से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाकर हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए समझते हैं क्या है बेटा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये, तो पहले आप ये जान लीजिए कि आप क्या बनाते हो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक बात है। तो इसे आप बोले सर एक्स और इसे आप बोले सर एक्स डैश। ये बेटा आपका हुआ वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक बात है। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा यूनिट रेडियस का, जिसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन, ठीक बात है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं बढ़िया सा भैया। देखो अगर बढ़िया नहीं बने तब भी मुझे माफ कर देना तुम लोग भाई, ठीक है, जैसा भी बन जाए वैसे मान लो, ठीक है। अब ये सर्कल का सेंटर ओ हो गया, ठीक बात है, ओरिजिन, ठीक। अब क्या करता हूं मैं, देखो मेरी बात समझो, मैं इससे मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज दैट, मैं लिखता नहीं हूं सब चीजें को ना कि इसका सेंटर ओरिजिन है, इसका रेडियस वन है, ये सब बता दे रहा हूं, जान लीजिए आप लोग। एक कोई पॉइंट मान लेते हैं पी ए बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे हम कोई पॉइंट पी मान लेते हैं ए बी और वो एक्स रेडियन बना रहा है, समझ रहे हो कितना बना रहा है, एक्स रेडियन एंगल बना रहा है। तो मान लो पॉइंट पी यही है, इस पॉइंट पी का नाम बोला कि ए बी कोऑर्डिनेट पे है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, तुम बोल रहे हो कि ये बना रहा है आपका एक्स रेडियन, तो एक्स रेडियन ये हो गया, मतलब एंगल कितना हो गया एक्स, और इस नाम दे दो उसका ए, जहां पे ये मिल रहा है सर्कल को टच कर रहा है यहां पे ए, यहां पे टच कर रहा है तो ये बी, यहां पे टच कर रहा है तो ये सी, और यहां पे टच कर रहा है तो डी, ठीक बात है। ए बी सी डी की पूरी कहानी हो गई, और ए ओ पी एंगल कितना हो गया एक्स रेडियन। तो लिख देता हूं एंगल ए ओ पी का वैल्यू है एक्स रेडियन, ठीक बात है। अब AOP जब x रेडियन हो गया, तो मैं बताने वाला हूं तुम लोगों को साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, मतलब अगर एंगल को हम पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करेंगे तो क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल या वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं रेडियन मतलब एंगल को चेंज करूंगा तो क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी उसके वैल्यूज में भी चेंज आएंगी। आपको यही कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक बात है। तो देखो पहले अगर मैं बोलूं कि मैं पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तभी तो मैं साइन और कॉस निकाल पाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल के तरीके से। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ ला और इसका नाम बोल दिया एम। तो अब समझो इस बात को कि अगर आपने माना है पी ए बी पॉइंट है और एंगल एओपी जो है वो एक्स है, एंगल एओपी जो है एक्स रेडियन है, एक्स रेडियन समझ रहे हो, एक्स ऑफ सी भी लिख सकते हो, रेडियन बोल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, एंगल है। अच्छा मुझे बता सकते हो ये ओएम कितना होगा, अरे भाई ये पॉइंट पी ए बी है तो कितना पी आगे गया है, ए आगे गया है, तो ए क्या है एक्स में, तो ये आपका ए हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा अगर मैं पूछूं कितना आर्क लेंथ होगा तो आप निकाल लोगे ना, देखो ये मैंने बोला है यूनिट रेडियस का ये वन है और आपका ये एक्स आया है, तो अगर एक्स रेडियन आया है और इसका क्या है वन है, रेडियस है सर्कल का, तो आर्क लेंथ भी कितना हो जाएगा एपी की वैल्यू एक्स हो जाएगी, क्योंकि क्या फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू व्हाट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू निकालना है एक्स एंगल है, आर्क लेंथ एल है तो एल की वैल्यू निकालना है और रेडियस वन है तो एल अपॉन वन एल, तो एल इज इक्वल टू एक्स, तो आर्क लेंथ भी हो गया एल, ठीक बात है। तो मैंने बताया ओ एम पी जो बना ग्रेटर एंगल, इसमें एंगल एम 90 डिग्री है, तो एक बात समझो तुम लोग, अगर ये 90 डिग्री में बताया ओएम, ओएम कितना हो रहा है ए हो रहा है और पीएम कितना हो रहा है बी हो रहा है, तो देखो ये पीएम क्या है वाई एक्सिस है ना भाई, इस पॉइंट को ये कितना ऊपर गया है बी गया है और कितना आगे गया है ए गया है, तो ये सब जो इन ट्रायंगल वर्ड पी एम ओ लिख दो भाई, कोई भी कर दो, इन विच एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री है बाल को, तो मुझे बता सकते हो तुम यहां से साइन एक्स और कॉस एक्स निकाल सकते हो, मतलब या साइन एक्स कॉस एक्स जैसे बोल दिया मैं, क्या साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, हाँ देखो साइन एक्स निकालना है तो एंगल एक्स की बात कर रहे हैं, तो साइन क्या होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं लिख देता हूं एक बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन एक्स बताओ परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, परपेंडिकुलर ये है पीएम, तो पीएम है तो परपेंडिकुलर तो कितना लिख दो भैया बी, और हाइपोटेनस कितना है वन है, अपॉन लिखू चाहे लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई बी, याद रखना काम देगा ये। दूसरा कॉस एक्स बताना मुझे, तो कॉस एक्स कितना होता है बताओ मुझे, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ओएम और ओएम कितना है ए,
ए और हाइपोटेन्यूज कितना है वन, ए अपॉन वन करूं तब भी कितना आएगा, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई बाल को ए। इसको याद रखना बहुत काम देगा, ठीक बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तुम्हें बता रहा हूं ना, अब समझो इस बात को। अगर इस बार मैं एंगल को क्या कर दूं, ये मैंने क्लॉकवाइज लेके घुमाया तो क्या हो गया आपका, पॉजिटिव एंगल आ गया। और अगर मैं कहूं तुम लोग से कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लू, कहां घुमा लू, एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो मुझे बताना तुम लोग क्या इसमें एंगल नेगेटिव आ जाएगा, ये एंगल क्या नेगेटिव हो जाएगा, मैं बोल दिया माइनस एक्स, सॉरी अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और अगर इसको इस बार क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो क्या नेगेटिव, तो ये एंगल कितना बन गया माइनस का एक्स, क्लियर बात है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि यहां से मैं परपेंडिकुलर इस पे भी डाल दूं तो ये यहां पे एंगल एम बना लेगा, और इस पॉइंट को तो ये पी है तो इसका नाम दे देता हूं आर, ठीक बात है आर। अब समझो इन ट्रायंगल किसकी बात कर लूं, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एम आर, ओ एम आर इन विच एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक बात है। अब मैं यहां निकालूंगा साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू, तो समझना इस बात को, अगर मैं साइन एक्स निकालू तो साइन एक्स तो नहीं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स एंगल, एंगल लिख रहा हूं ना, साइन थीटा निकाल रहा हूं। अरे चलिए दू क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा इज एंगल, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना लेता हूं माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान देना भैया, ध्यान देना क्योंकि समस्या अभी होने वाली है। अब देखो ये आर पॉइंट आया, अब मुझे बताओ आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो जितना ये एंगल था उतना ही आर की लेंथ इधर भी आया होगा कि नहीं, इतना तो आर की लेंथ इधर भी आया होगा, एक्स आया होगा, ये नहीं, इतना आर की लेंथ इधर भी एक्स आया होगा, अगर जितना इधर आपने मूव किया उतना ऊपर भी मूव किए होंगे, तो फर्क क्या आया है कि आप जितना ए इधर मूव किए हैं, जितना आप ए मूव किए हैं उतना ही तो मूव है, एम पॉइंट पे है उतना ही मूव किए हैं, तो आपका ए क्या एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बी के बारे में बताएंगे, बी के बारे में क्या हुआ, आप इसमें ऊपर थे तो बी पॉजिटिव था, उतना ही ऊपर थे इसमें उतना ही नीचे है, तो बी क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, ए ऑफ माइनस बी हो जाएगा। मैं ऊपर के चित्र से हटा देता हूं ताकि आपको कुछ अच्छी चीजें दिखे, बस ये याद रखिएगा कि साइन एक्स की वैल्यू बी है और कॉस एक्स की वैल्यू ए है। तो जरा से इस बार मैं साइन ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहा हूं, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन ऑफ माइनस एक्स जरा बताना मुझे क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस बार बताओ जरा सा, ये परपेंडिकुलर एम आर है ना, एम आर कितना है परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ माइनस बी है ना, ये लेंथ माइनस बी हो गया, और ये लेंथ कितना हो गया, ए हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर माइनस बी, और हाइपोटेनस अभी भी कितना यूनिट रेडियस है तो वन, तो बी अपॉन वन करोगे तो साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस बी, और बी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो याद रखना साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कितना, माइनस का साइन एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने जो लिख दिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो मैंने क्या किया, जब एंगल नेगेटिव लिया तो उसके लिए निकाला क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का वैल्यू रखा माइनस एक्स, माइनस एक्स परपेंडिकुलर कितना हो गया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इस बार कितना है, आपने नीचे आया कोऑर्डिनेट ए माइनस बी हो गया तो माइनस बी कोऑर्डिनेट हो गया, तो माइनस बी कोऑर्डिनेट हो गया, तो हाइपोटेनस कितना है वन, तो माइनस बी अपॉन वन, तो माइनस बी, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और बी का वैल्यू निकाले हो साइन एक्स है तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब अगर एंगल निगेटिव होगा तो जो रिजल्ट आता है साइन का वो निगेटिव साइन के साथ लगता है, मतलब माइनस साइन के। मैं बोलू क्या साइन 45 इज इक्वल टू, साइन 45 इज इक्वल टू कितना होता है 1/√2, तो साइन का माइनस 45 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√2, क्लियर बात है। जरा कॉस के लिए रिलेशन देख ले, ठीक बात है, देखो कॉस का माइनस एक्स निकालता हूं तो क्या होगा, देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे, परपेंडिकुलर की बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक बात है, बेस कितना है बाल को इस बार, इसका बेस तो कांस्टेंट है ना, जो पहले पॉजिटिव है था अभी भी पॉजिटिव है, क्या आप तो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा ए, और हाइपोटेनस कितना वन, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ए, और जरा मुझे बताओ
a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है cos x, मतलब क्या हो गया, cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x, cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या cos x। और ये सब कहानी को अगर मैं हटा दूं तो अब जो सही सही बात है उसको लिख दूं और इसको आप याद कर लो, चाहे समझ तो गए हो तो इसको हमेशा याद रखना कि साइन ऑफ माइनस एक्स अगर तुम करोगे तो तुम्हें माइनस साइन एक्स मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा, और अगर तुम कॉस ऑफ माइनस एक्स करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। याद रहेगा ये बात आप लोगों को, फिर समझो, अगर टेन ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो देखो टेन एक्स कितना होता है बताओ, कितना हो जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स आएगा, तो यही तो आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टेन हो सकता है माइनस एक्स, माइनस एंगल हो जाएगा, तो टेन ऑफ माइनस एक्स देखो क्या होगा, समझो इस बात को, अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स, लिख दू क्या, माइनस साइन एक्स लिखूं कि ना लिखूं, माइनस साइन एक्स, ठीक बात है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है, तो ये बाहर क्या आ जाएगा, माइनस टेन एक्स, तो ये भी याद रखना कि टेन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, क्या मिलेगा, माइनस का टेन एक्स मिलेगा। और ये मैं पूरे चित्र को अब रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको इस सबको एक साथ लिख सकूं मैं, आपको ये समझ में भी आ जाए। तो देखिए आपने पढ़ा क्या, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस का साइन एक्स, और अगर साइन का उल्टा लेंगे इसका भाई कौन है, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का अगर भी माइनस लेंगे तो अभी बाहर बोलेगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक बात है, फिर आप कॉस एक्स का माइनस लोगे तो ये माइनस को अपने अंदर ले लेगा, तो ये बना देगा पॉजिटिव का कॉस एक्स, इसका भाई क्या है सेक एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स गिव यू माइनस का नहीं प्लस का सेक एक्स, फिर आप टैन का माइनस एक्स लेना तो तुम्हें माइनस का टेन एक्स मिलेगा, मैंने प्रूफ करके दिखाया भी ये, और अगर इसका उल्टा कॉट ऑफ माइनस एक्स लोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस का कॉट एक्स। तो ये सिक्स फंक्शंस को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिए कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉसेक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक्स एक्स, कॉसेक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो जितनी भी चीजें कॉस और सेक माइनस के साथ क्या करते हैं पॉजिटिव रिटर्न करते हैं, बाकी सब माइनस एंगल के साथ बाहर माइनस छोड़ देते हैं, ठीक बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है और कौन कौन सी वैल्यूज निगेटिव होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और दो चार नंबर एग्जाम में तो फ्री में दिला देता है। तो एक बात याद रखो, देखो आप लोगों ने पढ़ा है इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक बात है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूं ए बी की वैल्यू ले लू ना, कोई ए बी कोऑर्डिनेट है तो ये ए बी होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव नहीं निगेटिव, और ये बी पॉजिटिव, इसमें लोगे तो क्या हो जाएगा, ए भी निगेटिव और बी भी निगेटिव, और इसमें लोगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा बी निगेटिव हो जाएगा, ठीक बात है। तो अब साइन कॉस टैन सेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हर कोऑर्डिनेट में देखा आपने साइन ऑफ माइनस एक्स किस में जाने पे कौन पॉजिटिव हो रहा है कौन नेगेटिव हो रहा है ये कोई कंफर्म नहीं है, वैल्यू ऑफ एक्स बढ़ रही घट रही है ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको कितना आप याद कर पाओगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने याद होगा ये जीरो है और ये जो है ये पाई बाई टू है, ठीक बात है, याद है ये जीरो है ये पाई बाई टू है और यहां थर्ड है पाई और ये है थ्री पाई बाई टू और फिर बाद में यहां पर भी कितना आ जाएगा टू पाई है, ठीक बात है। इसको हटा देता हूं ए बी, इसको कोई इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, तो मैं बताने के लिए बता रहा था आपको। तो पहला कितना हो गया, याद रखिएगा पहला कोऑर्डिनेट क्या, पहले कोऑर्डिनेट में जीरो से पाई बाई टू, सेकेंड कोऑर्डिनेट है पाई बाई टू से पाई, थर्ड कोऑर्डिनेट है पाई से थ्री पाई बाई टू और फोर्थ में थ्री पाई बाई टू से टू पाई। अब देखो अगर आपने टेंथ में पढ़ा था कि साइन के कॉस के टैन के कॉट के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जीरो से पाई बाई टू में क्या थे, पॉजिटिव थे, याद है, कोई वैल्यू आपने पढ़ा कि कॉस 45 साइन 45 टैन 45 या कोई 90 या आपने पढ़ा हो 30 60 कोई वैल्यू पढ़ा जो नेगेटिव था ना, सब पॉजिटिव था। तो जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में
सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक बात है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाई टू से पाई के बीच में, इसमें सिर्फ साइन और इसका भाई कोसेक एक्स, या मैं एक्स लिख रहा हूं एंगल मान के चलिए, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं इस पे पहले में क्या है, ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ठीक बात है। इस वाले में क्या है, सिर्फ साइन और कोसेक एक्स पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेके थ्री पाई बाई टू में, इसमें क्या है, केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। याद रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का जो फंक्शन होगा वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो होंगे आपके मतलब साइन कोसेक फिर सेक कॉस चारों नेगेटिव होंगे, टैन और कॉट क्या होंगे, केवल पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर बात है। तो आप इसको याद कैसे करोगे कि भाई कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, कितना याद होगा। देखो अभी आपने देखा था, मैंने इस फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाया था तो आपने देखा हुआ साइन कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। क्यों? क्योंकि कॉस मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको ला दिया था। अगर मैं इस क्वाड्रेंट पे ले जाता तो हो सकता है इसकी कुछ वैल्यूज चेंज रहती। तो इसको याद करने का बस एक कॉन्सेप्ट है कि आप याद करो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। कि पहले के लिए याद रख लो एड शुगर टू कॉफी, ठीक बात है, एड शुगर टू कॉफी, और किस तरीके से आप घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज पे घूमो, इसमें क्या होगा, एड, एड मीन्स ए, ए लो, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ठीक। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट पे आप शुगर एस लो, एस मतलब साइन और साइन का भाई कौन, कोसेक पॉजिटिव। शुगर टू, टू मीन्स टैन और कॉट, टैन उसका भाई कॉट पॉजिटिव। और कॉफी इसमें क्या, सी मतलब कॉस और कॉस भाई कोसेक, मतलब समझ लेना कॉस वाला, क्यों कॉस, क्योंकि कॉस बड़ा भाई है, छोटे भाई नहीं लेते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो याद रहेगा एड शुगर टू व्हाट, एड शुगर टू कॉफी, आप शुगर जोड़िए कॉफी में, तो एड मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में शुगर मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक बात है, ये याद रहेगा आपको। इसमें एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए लिखते हैं, देखिए जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको बोलेगा कि वो फंक्शन किस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, और आप बताइए कि क्या क्या वैल्यू होगा। देखिए क्वेश्चन है कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक बात है, बोल रहे हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव, एंड एक्स लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, और एक्स कहां पे लाई कर रहा है, लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक बात है। तो बोल रहा है आपसे फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो अभी मैंने तुरंत आपको बताया, क्या बताया, कि ये पहले में सारे पॉजिटिव, एड शुगर टू कॉफी, ठीक बात है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस, साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कोसेक और सेक पॉजिटिव। देखो ये कॉस माइनस थ्री बाई फाइव मतलब कॉस निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तभी तो ये निगेटिव है भैया, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर ये निगेटिव है तो कंफर्म है ना थर्ड में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो इस बात को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हैं, अगर हमें कॉस पता है तो सेक तो हम निकाल लेंगे, सेक एक्स क्या होगा, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा माइनस का फाइव बाई थ्री, तो सेक भी निगेटिव है, क्योंकि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ में आया कि क्या, जैसे आप टेंथ लगाते हैं भाई, सेक क्या है उल्टा है कॉस का, तो अगर कॉस माइनस थ्री बाई फाइव है तो सेक क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री। लेकिन और कैसे निकालेंगे, तो आप ट्रायंगल बनाओगे, देखो ये क्या होगा, ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे उसमें क्या लोगे, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस, मान लो एबीसी तुमने माना। अब देखो तुम्हें पता है कि क्या, तुम्हें पता है बेटा कि कॉस होता क्या है, कॉस तुम्हें पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव दिया तो माइनस इसका इंडिकेट कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, थ्री आपका बेस है तो आपने बेस मना लिया, और इसको मान लो एक्स, ठीक बात है, और ये 90 डिग्री, और हाइपोटेनस कितना हो गया फाइव, थ्री और फाइव। अब आप क्या करने वाले हो,
आप लगा लो पाइथागोरस थ्योरम और उस पाइथागोरस थ्योरम से तुम क्या निकाल सकते हो उसका परपेंडिकुलर। तो मैं डायरेक्टली निकाल दूं क्या कि अगर देखो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। तो आपको निकालना है एबी का स्क्वायर, तो एबी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। तो एबी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एबी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आप क्या लोगे केवल प्लस लोगे, बाकी तुमसे मतलब नहीं है। तो एबी का वैल्यू कितना हो गया 4, ये आपका आ गया 4। ठीक बात है, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि प्लस माइनस 4 से क्या मतलब है और क्यों मतलब नहीं है। तो आपने ले लिया, अब आपको इसे मान लीजिए निकालना है साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक बात है, तो साइन ऑफ एक्स परपेंडिकुलर कितना है देखो 4 निकाला, हाइपोटेनस कितना है आपका 5। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। लेकिन आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस कोऑर्डिनेट में हो, थर्ड कोऑर्डिनेट में हो, और थर्ड में केवल टैन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव। तो आप यहां पे क्या लिख लोगे साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। अब इसका उल्टा आप निकाल सकते हो कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x। तो ये हो जाएगा 5/4 और नेगेटिव, क्योंकि आप किस कोऑर्डिनेट में हो, यू आर इन विच कोऑर्डिनेट, यू आर इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल टैन और कॉट क्या है पॉजिटिव है। अब देखो, अब उसके बाद अगर मुझे निकालना है tan, तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan x क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर भैया आपका 4, और बेस कितना हो जाएगा आपका बोलो भाई 3। अच्छा बताओ tan x पॉजिटिव के नेगेटिव, बोलो भैया tan x पॉजिटिव के नेगेटिव, भाई पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में उसका अधिकार है थर्ड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहने का कि नहीं भैया, तो पॉजिटिव रहेगा। और कॉर्टेक्स तो भैया उसका उल्टा है 3/4, क्या ये पॉजिटिव के नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, भाई भाई है। और टैन और कॉट क्या होते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, तो 3/4। तो पहले क्या किया मैंने, अच्छा देखो मैंने क्यों नहीं लिया था -4, क्योंकि बालक साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। cos x is equal to -3/5 दिया था, तो आप उसका अपोजिट कर दिए तो sec x मिल गया। अब लेकिन आपको चाहिएगा क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि बिगर परपेंडिकुलर का साइन और cos नहीं मिलता है। ठीक बात है, तो आपने 4/5 से कितना निकाल लिया 5 और 3 से आपने 4 निकाल लिया। sin x is equal to क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो -4/5। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो -5/4, क्योंकि ये भी क्या है नेगेटिव। tan x आपका बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 और ये 3/4, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर बात है, तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप क्या करिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितना आंसर आएगा, तो मैं समझ जाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन है cos x is equal to -5/12, cos x is equal to minus का 5/12 and x lies in the second coordinate, x कहां पे लाई करता है इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, फाइंड द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज। cos x की वैल्यू -5/12, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होगी। देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्यों बोल दिया, तभी तो ये नेगेटिव है, क्योंकि cos जो है वो केवल फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव, बाकी में क्या होता है नेगेटिव। ठीक बात है, तो बेटा ये था आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर बात है, अगले वीडियो में लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज एंड द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक आप इस क्वेश्चन को लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, अगर कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट